रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा की तैयारियां खूब तेज चली और इस वक्त हमारे साथ रायपुर भाजपा के जो है चुनाव प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। जायसवाल जी, चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? चुनाव की हमारी तैयारी, आपने देखा होगा कि लगातार हम अपने पोलिंग बूथ स्तर में, शक्ति केंद्रों में, मंडल में, विधानसभा स्तर में हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्तरों पर लग गए हैं और कल हमारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ, उससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकने का काम हुआ है और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सुनील सोनी को बार बार कांग्रेस के नेता निष्क्रिय बता रहे हैं, कह रहे हैं कि युवा और निष्क्रियता के बीच लड़ाई है, क्या ये सही है? देखिए, कोई पहलवानी तो लड़ना है नहीं कि कुश्ती, लड़ना है कि युवा और ज़्यादा उम्र वाले का साथ तालमेल नहीं बनेगा। ये चूंकि जनता के सेवा के लिए, क्षेत्र के सेवा के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, शहर की विकास के लिए ये चुनाव हो रहा है और सुनील सोनी जी ने महापौर रहते हुए भी तमाम ऐसे विकास कार्य किए हैं, सांसद रहते हुए भी उन्होंने हजारों करोड़ की परियोजनाएं रायपुर और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने लाया है। एक सुलझे हुए अनुभवी पार्षद से लेकर सांसद तक का उनको अनुभव है और मुझे लगता है कि सुनील सोनी जी से योग प्रत्याशी इस चुनाव में कोई नहीं है। सर, लेकिन बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि युवा और निष्क्रियता, बार बार ये क्यों कह रहे हैं? उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि ये कोई कुश्ती तो लड़ाई है नहीं, ये चुनाव हो रहा है, इसमें युवा और बुजुर्ग की क्या बात है। और जहाँ तक सक्रियता और निष्क्रियता की बात है तो खुद आकलन कर लें, डिबेट कर लें कांग्रेस ओपन में, जिस मंच में चाहे, सुनील सोनी जी के विभिन्न समय के कार्यकाल का और अपने कार्यकाल का। मैं तो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता, पर कई प्रकार की बात उनके कैंडिडेट के बारे में, उनके सपोर्टरों के बारे में आ रहा है कि कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो इनको मदद कर रहे हैं, तो ये जनता सब जानती है। आप कह रहे हैं कि किस टाइप के लोग हैं, अगर कुछ बताना चाहें क्लियर तो अच्छा रहेगा। भाई, आप लोग मीडिया वाले हैं, पता खुद ही कर सकते हैं जाकर कि क्या क्या बातें चल रहा है उनके कैंडिडेट के बारे में, उनके सपोर्ट करने वाले लोगों के बारे में। तो पहले कांग्रेस अपना देखे, बाकी सुनील सोनी जी जैसे भी हैं, जनता के सामने आज 40 साल से जनप्रतिनिधि के रूप में, जनसेवक के रूप में, अपनी राजनीतिक पहचान के रूप में वो कोई मोहताज नहीं है, एक एक जनता सुनील सोनी जी को जानती है। तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री जी को, और चुनाव प्रभारी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि रायपुर दक्षिण का चुनाव जो है बीजेपी जीतेगी, और कहना है कि कुश्ती का कार्यक्रम नहीं है, ये विकास को लेकर कार्यक्रम है। तो ऐसे में सुनील सोनी को निष्क्रिय और उम्रदार बताना जो है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें बता रही। कैमरामैन लखन के साथ सौरभ सिंह परियार, आईबीसी24 रायपुर।